तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार मोस्ट वेलकम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जो भी छात्र जो है ना नौवीं की परीक्षा जो है ना देने जा रहे हैं, समझे, जैसे कि आप सभी को पता है कि नौवीं की जो वार्षिक परीक्षा है, समझे, वो है ना 24 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो है ना 24 फरवरी से जो ना आपका नौवीं की जो वार्षिक परीक्षा है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस दिन इस विषय की परीक्षा, ठीक है, अगर आपको नहीं देखे हैं पूरा जानकारी जो है ना क्या क्या है ना इस रूटीन में दिया है, कब से कब तक परीक्षा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, सभी वहाँ से टाइम टेबल रूटीन डाउनलोड कैसे करेंगे उसके बारे में पूरा जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लेकर आए हैं नन हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर। ये वायरल क्वेश्चन पेपर जो है ना, क्वेश्चन पेपर समझिए और मॉडल पेपर इसको समझिए, दोनों समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वायरल पेपर है, इससे 100% या 80 से 90% जो है ना 70 से 80% ऐसे क्वेश्चन है जो आपको हो बहुत टकराएगा, देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो याद कर लेंगे सभी विद्यार्थी और याद करके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना 27 तारीख को जो आपको परीक्षा होगा, समझो, नन हिंदी की द्वितीय पाली में परीक्षा दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है नन हिंदी, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन में जो ना क्या क्या दिया हुआ है उस सभी को पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको संपूर्ण जानकारी जो है ना क्वेश्चन पेपर के लेना है, समझिए, इससे पहले मैंने पूरा वीडियो डाल चुका हूँ, समझिए, उसे आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो उसका भी जानकारी जो है इस वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ से आप है ना जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है व्हाट्सअप ग्रुप का, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। जिसके मैं कारण जो है क्या होगा कि मैं ओरिजिनल प्रश्न पत्र आपको समय से पहले दे दूंगा, ठीक है। 2-3 दिन पहले जो है ना आपको है ना क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, ठीक है, जिससे आप पास कर पाएंगे, ठीक है। उस वीडियो में पूरा जानकारी दिया गया है, समझिए, पेपर में लिख कराया है कि जो भी छात्र क्लास 9th में पास नहीं होंगे वो क्लास 10th में प्रमोट उसको नहीं किया जाएगा, क्लास 10th में उसका एडमिशन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं और 1 में जो है ना यहाँ पर देखिए यहाँ 1 से लेकर 100 तक प्रश्न दिया हुआ, जिनमें से आपको जो है 50% का जवाब जो है वो ओएमआरसीट पर दिया जाएगा और ये गवर्नमेंट यानी कि बिहार बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा, ठीक है, ओएमआरसीट, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है और काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ, समझिए, कहता है कवि शिव मंगल सिंह सुमन को के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या थी, ठीक है। तो कवि शिव मंगल सिंह के अनुसार जो है ना उसका सबसे बड़ी भूल क्या थी, तो कहेंगे सर जी उसकी सबसे बड़ी भूल थी वो ऑप्शन नंबर जो है किसी का आसरा करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के बढ़ते हैं, काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ, कहता है निचिकेता के पिता का नाम क्या था, तो निचिकेता के जो पिता है उसके जो नाम था वो क्या था, तो यहाँ पर महर्षि वाजसर्वा था, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न बच्चों दिया हुआ कहता है चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में, ठीक है, तो यहाँ पर चार नहीं मैं सुरबाला के गहनों में डॉट इस पंक्ति के जो है पूरा करेगा, कौन पूरा करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी पूरा करेगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी राइट आंसर, ठीक है, गूथा जाऊँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है लड़का किससे प्यार करता था, तो लड़का जो है पेड़ से प्यार करता था, सबको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन जो है आप पढ़ चुके होंगे इसके बारे में, ठीक है, ऑप्शन बी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया हुआ है वीर कुंवर सिंह के माता पिता का नाम क्या था, तो 5 का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा सही आंसर, नहीं नहीं बी, 5 का क्या होगा बी, समझे, बी होगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 के बढ़ते हैं, 6 में दिया हुआ है गंगा स्तुति कविता किसने लिखी है, तो गंगा स्तुति कविता जो लिखी थी ऑप्शन नंबर विद्यापति थी, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बढ़ते हैं, 7 में दिया हुआ है किसे सोने पर किसी साइकिल के सपने आते थे, ठीक है, तो किससे सोने पर जो है ना साइकिल के सपने आते थे, ठीक है, ये आपको बताना है, तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है लेखक को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 के बढ़ते कहता है एपीजे अब्दुल कलाम की माँ का नाम क्या था, तो इसका जो नाम जो माँ की जो नाम था उसमें वो आपको बताना है, तो 8 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 के बढ़ते 9 में दिया है पुस्तैनी का अर्थ क्या होता है, तो पुस्तैनी का जो अर्थ होता है इसका मतलब होता है क्या कि यहाँ पर खानदानी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बच्चों 10 में दिया हुआ कहता है सारे संसार की शोभा किस ऋतु पर निर्भर करती है, तो 10 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शीत ऋतु पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, वीरहारा राजपूत कुंभ की जो ना मातृभूमि कहाँ थी, ठीक है, तो कहाँ थी ये आपको पूछ रहा है, 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 12 के बढ़ते 12 में है जाति न पूछो साधु किस की पूछ ली जाए, ठीक है, जाति न पूछो साधु की डॉट पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आपको 12 का सही आंसर क्या होगा, ज्ञान पूछ लिया जाए, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है जन्म बाधा शीर्षक पाठ में किसे झट से चिट्ठी मोड़ कर छिपा ली, ठीक है, तो 13 का सही आंसर क्या होगा, 13 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर गुड्डी से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं,
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 के बढ़ते 14 में दिया हुआ है, देखिए काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। रिपु का अर्थ क्या होता है? तो रिपु का जो अर्थ होता है वो क्या होता है आपको बताना है। तो यहाँ पर शत्रु हो जाए ऑप्शन बी हो जाए सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है विदर्भ देश के राजा के पास एक अनोखी चीज़ क्या थी आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि तोता था, ऑप्शन नंबर सी हो जाए सही आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 के बढ़ते 16 में दिया हुआ कहता है अवध के राजा के कितने लड़के थे? तो अवध के जो राजा थे उनके लड़के जो है 3 लड़के थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 के बढ़ते 17 में है मोहन किस कक्षा में पढ़ता है समझे, तो किस कक्षा में, चौथी कक्षा में, छठी, तो यहाँ पर जो पाठ से लिया गया तो 17 का सही आंसर क्या होगा बाबू, 17 का ऑप्शन नंबर क्या होगा बताओ जी, ऑप्शन नंबर यानी तीसरी कक्षा में पढ़ता था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 के बढ़ते 18 में दिया हुआ, देखिए काफ़ी क्वेश्चन ईजी था और आराम से आप लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। कहता है रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढककर कौन रोती है, ठीक है। तो इसके जो कौन रोती है, नदियाँ रोती है, ऑप्शन नंबर बी वगैरह सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 19 में बढ़ते 19 में दिया हुआ, देखिए सोना को सबसे अधिक प्रिय थे, ठीक है। सोना को सबसे अधिक क्या प्रिय था, तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाए सबसे छोटे बच्चे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 20 के बढ़ते 20 में है लेखिका का बद्रीनाथ की यात्रा का कार्यक्रम कब बनाया गया, ठीक है। अब ये आपको बताना है, तो 20 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, गर्मियों के दिन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 बढ़ते 21 में है हुएन सांग किस लिए विख्यात थे, ठीक है। तो हुएन सांग जो है ना किस लिए विख्यात थे, तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला है हुएन सांग कितने दिन बोध गया से ठहरे, ठीक है, गया में ठहरे, ठीक है। तो 22 का सही आंसर क्या होगा बच्चों, 22 का मेरे बाबू ये हो जाएगा, ये आप जानते होंगे मेरे बारे में, ठीक है। जो छात्र क्लास 10th में अभी पढ़ रहे हैं समझे इंटर में, वो मेरे बारे में जानते हैं कि है ना हम क्वेश्चन पेपर जो है कैसे आपको देते हैं और सबसे पहले देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था, तो आर्य जो भट्ट है उनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 23 का सही आंसर क्या होगा बताओ, तो 23 का ऑप्शन जो है ना बी हो जाएगा सही आंसर, याद रखना, ठीक है। अगले बढ़ते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन यहाँ पर 24 के बढ़ते 24 में यास्विनी शीर्षक कविता किसने लिखी है, ये आपको बताना, 24 का सही आंसर क्या होगा, तो 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन 25 के बढ़ते 25 में दिया हुआ है क्या कहता है बड़ी बेरी का अर्थ क्या होता है, तो बेरी का जंजीर होता है, ऑप्शन नंबर जी ने सी हो जाए सही आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न कहता है अब आंसू दिखलाओ नहीं अब हाथ फैलाओ नहीं, ये क्या है बताओ, तो वही है, नहीं है, कहीं है और यहीं है, ठीक है। डॉट 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 क्या होगा, इसका आगे क्या होगा, ठीक है। तो 26 का सही आंसर आपको बताना है, तो 26 का नहीं हो जाएगा, ठीक है, फैलाओ नहीं हो जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न निचिकेता कैसा बालक था, तो ये पितृभक्त था, बालक पितृभक्त, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाए सही आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है निचिकेता से कहानी से ली गई है, ठीक है। तो निचिकेता जो है किस शीर्षक कहानी से ली गई है, कहाँ से ली, तो रामायण से, भारत से, अभी इसका आंसर क्या होगा, 28 का कहीं सर जो ऑप्शन नंबर डी यानी कि हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 में थे भाग पर इठलाओ का कौन सा अर्थ सही है, ठीक है। तो 29 का क्या होगा जी, जल्दी सोचा 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 को बढ़ते हैं 30 में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुझे मछली पकड़ने के लिए नाव चाहिए किसे कहा था, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर जी ने अधेर उम्र के आदमी ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर कब कब्जा कर लिया, ठीक है। तो ये आपको कब कब्जा कर लिया, तो 31 का सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, तो सर जी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 32 को बढ़ते 32 में दिया है बरसुख सार पाओ पावल तुम तीरे यह कविता किस कविता से समझिए ये आपको बताना है, तो 32 का क्या होगा बच्चों, तो 32 का क्या होगा आपको बताना है, तो 32 का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर याद रखना डी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 में साइकिल की सवारी गद की कौन सी विधा है, तो 33 का सही आंसर यहाँ पर व्यंग कथा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ए पी जे अब्दुल कलाम का जो जन्म किस परिवार में हुआ था ये आपको बताना था, 34 का सही आंसर क्या होगा एक ऑप्शन नंबर एक माध्यमिक तालीम परिवार में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं ए पी जे अब्दुल कलाम के मित्र रामानंद के पिता क्या थे, ठीक है। तो रामानंद के जो पिता की बात किया है तो 35 का सही आंसर यहाँ पर मंदिर के पुजारी था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में वर्षा बहार सबके मन को क्या करता है बताओ, तो 36 का क्या होगा बच्चों यहाँ पर लुभा रही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाए सही आंसर। आगे बढ़ते हैं आमोद का अर्थ क्या होता है, तो आमोद का जो अर्थ होता है 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा खुशी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में जो दिया हुआ प्रश्न देखिए
क्वेश्चन 38 में सेट किया, काफ़ी गजब क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। राजपूतों की बेटी की जो संख्या रियायती थी क्या था, तो बेटी सी छोटी सी राजपूतों की छोटी सी रियायत थी क्या थी, ये आपको बताना है। तो 38 का क्या हो बच्चों, 38 का बी हो जाएगा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बच्चों यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन 39 का, बढ़ते हैं 39 में दिया हुआ, देखिए कहता है, देखिए कबीर निंदा करने वाले व्यक्ति को क्या को कहाँ रखने की बात करते हैं। तो कबीर जो है निंदा करने वाले व्यक्ति को जो है कहाँ रखने की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि नज़दीक रखने की बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 40 का, बढ़ते हैं 40 में दिया हुआ, माँ का दूध चूसते चूसते कौन सो गए, ठीक है यानी कि पीते पीते हम समझ सकते हैं। तो चलिए जाए सही आंसर क्या होगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए छोटी की चौसो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 41 के, बढ़ते हैं 41 में दिया हुआ, देखिए पता है जन्म बाधा शीर्षक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। तो 41 का ऑप्शन नंबर डी संकलित की दिया, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया हुआ है गरल का अर्थ क्या होता है, तो गरल का जो अर्थ होता है ये आपको बताना क्या जहर होता है, ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 के, बढ़ते हैं 43 में दिया हुआ, देखिए जहरीला फल को राजा ने क्या किया, ठीक है तो जहरीला फल को राजा ने क्या किया, नदी में फेंक दिया, जलवा दिया, ठीक है और स्वयं खा गया और गड्ढे में दबा दिया। ठीक है, तो क्या होगा 43 का, 43 का ऑप्शन क्या हो जाए सी डी हो जाए, गड्ढे में दबा दिया, ऑप्शन सी डी हो जाए सही। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा कभी शिकायत न करने वाली कौन है, ठीक है तो आपको बताना है, तो आकाश है, मनुष्य, बूढ़ी पृथ्वी या जानवर है। ठीक है, तो 44 का क्या हुआ, तो 44 का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाए सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिखेगा क्वेश्चन नंबर 45 के, बढ़ते 45 में है सुष्मिता कौन थी, तो ये आपको 45 का बताना है, तो 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाए सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के, बढ़ते हैं कुत्ता किसका अंतर जानता है, ठीक है तो कुत्ता जो है किसका अंतर आपको बताना है, इसका अंतर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 39 के, बढ़ते 39 में दिया हुआ है लेखिका बद्रीनाथ यात्रा से कब लौटी, ठीक है तो बद्रीनाथ यात्रा से जो लौटी ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो किया क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 के, बढ़ते 48 में दिया हुआ है वेद सांग खुशी से शराबुर होकर किस पर्वत को देख रहे थे, तो 48 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बच्चों 49 में दिया हुआ कहता है नालंदा मठ के 4 भिक्षु वेद संघ को लेने कहाँ आए थे, ठीक है तो 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 4 मंजिले कक्ष किसके लिए, ठीक है बनाया गया है तो ये आपको बताना है, तो 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुजारियों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बाज सर्वा को क्या करने की इच्छा हुई है, ठीक है तो 51 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सर्वमेघ करने की इच्छा हुई थी, याद रखना। आगे बढ़ते हैं निचिकेता ने यमराज से पहला वर क्या मांगा, ठीक है तो 52 का क्या हुआ बच्चे बताओ, तो 52 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53 के, बढ़ते 53 में दानी पेड़ शीर्षक कहानी में बूढ़ा कहाँ बैठ कर सुस्ताने लगा, ठीक है तो 53 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, जल्द चुरा 53 का जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पेड़ के ट्वीट पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 54 में वीर कुंवर सिंह का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन 55 के, बढ़ते कवि विद्यापति गंगा से किस अपराध की क्षमा मांग रहे हैं, ठीक है तो 55 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 55 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, पैर से पानी छू जाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन 56 में, बढ़ते तुम्हारी इतनी आयु हो गई मगर वो छापन न गया, ठीक है वो छापन न गया किसने कहा था, तो यह आपको बताना 56 का बाबू, 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 57 के, बढ़ते 57 का आंसर क्या है वो बताओ, जब तक बूंदी पर अपना झंडा नहीं फहराएगा तू फहराए दूंगा तब तक एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगा, यह प्रतिज्ञा किसने की है, तो ये आपको बताना है। तो 57 का काफ़ी गजब क्वेश्चन था, महाराणा सिंह क्या था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं, कहता है जन्म बाधा शीर्षक पाठ में दरवाजा नहीं खुला तो कौन बिगड़ने लगा, ठीक है 58 के क्या होगा, 58 का पाप बिगड़ने लगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पर 59 के, बढ़ते हैं रघुपति किससे 3 दिन तक सस्ता मांगते रहे, ठीक है रास्ता मांगते रहे सॉरी, तो इसका आंसर क्या होगा 59 का ए हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर 60 के, बढ़ते 60 में दिया हुआ है हिमसुख रात में कहाँ ठहरता था, ठीक है तो 60 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर पेयर पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हिमसुख तोता का नाम है, ठीक है कहता है क का उच्चारण स्थान क्या होता है, क कर्ण से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, क कर्ण से। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 के, बढ़ते हैं 62 में दिया हुआ देखें, देवेश का जो अर्थ होता है उस क्या होता है आपको बताना है। तो 62 का क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, देव जोर ईश्वर देवेश हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है, तो शस्त्र एक शुद्ध शब्द ऑप्शन नंबर बी हो जाए सही। आगे बढ़ते हैं, मकान क्या है, तो मकान एक जातिवाचक संज्ञा है, जबकि यहाँ पर मकान क्या वो कोई एक विशेष प्रकार के मकान रहता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, ग्राम क्या है, ग्राम शब्द जो लिया गया वो क्या है, तो एक पुलिंग है, क्या है पुलिंग है जी, ऑप्शन नंबर क्या होगा 65 का बी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 66, बढ़ते हैं 66 क्या होगा आंसर, तो को किस कारक है, तो कर्ता ने क्रम को, क्रम को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, सर्वनाम के बाबू कितने वेद होते हैं, तो 6 वेद होते हैं, इस बात को याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 68, बढ़ते हैं किसका क्रम हो या किसके क्रम हो या किसके साथ क्रम की संभावना हो उसे क्या कहते हैं, तो ये आपको बताना है, तो क्या होते हैं जल्दी से बताओ। 68 का संयुक्त हो जाए ना जी, नहीं नहीं सक्रमक कार्य क्रिया बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए बी हो जाए, मैं पढ़ रहा हूँ यह वर्तमान काल हो रहा है ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाए सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, कहता है विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्द को क्या कहते हैं, तो विदेशी हिंदी भाषा में जो आया शब्द को विदेशज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं विदेशज। ठीक है, निम्न में कौन अव्ययी भाव समास है, तो अव्ययी बे रहम, बे एक तो है ही रहम, इसमें जुड़ गया बे ऑप्शन नंबर ए सही से। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72 बढ़ते हैं, 72 में आदान शब्द का विलोम क्या होता है, तो आदान का क्या होता है नादान, प्रदान होता है नादान नहीं होगा प्रदान होगा ऑप्शन नंबर 72 का बी डी सही से। आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखिए, जल में जमने वाला के लिए एक शब्द क्या है, तो जल जनन अनुज जलन जल जल जलज उसके बाद जन क्या होगा अनुज अनुज, तो इसका आंसर क्या होगा 73 का आपको बताया है, तो 73 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74, हाथ पैर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो 74 का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न बच्चों दिया हुआ क्वेश्चन 75 के, बढ़ते 75 में है कमला का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो 75 का क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, पंकज हो जाएगा याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के, बढ़ते नहीं मरने वाला क्या कहलाता है, तो अमर कहलाता है। यहाँ पर 77 के, बढ़ते 77 का आंसर छा का विलोम क्या होता है, तो धूप होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं कहता है दशमुख कौन सा समास है, तो ये आपको बताना है, तो दशमुख जो है ना ये कौन सा समास है, तो 78 का है ये बहुव्रीहि समास है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, यहाँ पर 79 के, बढ़ते सब धन 22 परे पसेरी का अर्थ हो इसका मतलब क्या होता है, तो 79 का क्या होगा 79 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, अच्छा बुरा सबको एक समास समझना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, कहता है आदत जो है ना आदत शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो आदत शब्द का जो बहुवचन वो आपको बताना क्या होगा, तो इसका आंसर क्या 80 का, तो बच्चों 80 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आदित्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, देव का अर्थ क्या होता है, तो देवी होता है याद रखना ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, पानी क्या है, तो पानी क्या पी रही हूँ क्या होगा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। ठीक है, तो 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, क्या होगा 82 का ना, नहीं नहीं बी ना होगा पुलिंग ना होगा, सी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, शुद्ध शब्द कौन है, ठीक है तो शुद्ध शब्द क्या है आपको बताना। ठीक है, तो सूर्य जो हम लिखते हैं सूर्य ऐसे लिखते हैं ना जी, वाणी सही है जी ऑप्शन नंबर क्या होगा, हाँ वाणी सही है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही से। आगे बढ़ते हैं प का उच्चारण तो कहाँ प प तालु से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही से। आगे बढ़ते हैं प कंठ से प ओष्ठ से न ओष्ठ से न हो प आवाज़ मुंह पर सट रहा है दोनों ओर पर। ठीक है, शिवाला का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 85 का आपको बताना था ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही से। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, बालक का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो 86 का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बालिका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पावन, पावन का जो अर्थ होता है, तो पवन का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है, तो पावन दिया हो तो पवित्र हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, छट्टी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो 88 का क्या होगा ऑप्शन बुरा हालत होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं दीन का अर्थ क्या होता है, दीन का अर्थ होता है क्या बताओ, दर्शन दीन का जो अर्थ होता है 89 क्या होगा, तो 89 का ऑप्शन नंबर गरीब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पर्यायवाची है क्या घोड़ा जो है ना उसका पर्यायवाची क्या होगा बताओ, तो जी इसका आंसर क्या होगा 90 का बी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं इकानवे के, बढ़ते हैं इकानवे दिया है निम्नलिखित में कौन तत्सम समास है, ठीक है तो तत्सम समास की बात किया है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बलहीन, हीन एक तो अलग है बलहीन। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, भविष्य काल का उदाहरण क्या हुआ, तो भविष्य मतलब फ्यूचर, ठीक है, वह जा रहा होगा, ठीक है, वह जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे हम कौन सा समास कहते हैं, ठीक है, तो आपको बताना है। तो 93 का सही आंसर ऑप्शन डी, यानी कि अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्ययी भाव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेता का स्त्री रूप क्या होता है, तो 94 का सही आंसर ऑप्शन ए, नेत्री हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण, ठीक है, तो 95 का क्या ऑप्शन डी हो जाए, अप्रधान कारक, ऑप्शन डी हो जाए सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, समझ 96 बढ़ते हैं, 96 है, वाहन का बहुवचन क्या होता है, वाहन, वाहन का बहुवचन होता है, 96 का क्या होगा, 96 का ऑप्शन नहीं, वह नहीं हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाए सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, पता है विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है, विद्या जो आलय होता है, क्या होता है, विद्यालय होता है, तो 97 का ऑप्शन ई हो जाए सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, जिनका उच्चारण बिना अवरोध से के होता है उन वर्णों को क्या कहते हैं, तो 98 का ऑप्शन बी हो जाए सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कुसुमर यहाँ पर गिरा हुआ कहलाता है, क्या कहलाता है, तो 98 का डी कहलाता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 100 के बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न है, पृथ्वी का अर्थ पर्यायवाची शब्द धरती, ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 100 प्रश्न कर लिए, अगर ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से लिंक, वहाँ से आप ले सकते हैं, या हमारे वेबसाइट में विजिट कर लीजिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, गूगल में जाना है, इस चैनल को जो नाम है, इस चैनल का जो नाम, इस तरह से आपको सर्च करना है, पॉइंट ऑफ स्टडी इस तरह से सर्च करना है, ठीक है। तो जैसे इस पर सर्च करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। हाँ, नेटवर्क बंद था इसलिए नहीं आता। चलिए आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं पॉइंट ऑफ स्टडी .com लिखा हुआ, ठीक है, आप देख सकते हैं, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है, पॉइंट ऑफ स्टडी .com, ठीक है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है। चलिए आपको मैं बताता हूँ, एग्जाम का रूटीन भी आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेटेस्ट अपडेट दिया हुआ है, इस पर मैंने क्लास 9th का जो एनुअल एग्जाम के बारे में लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, और थोड़ा सा वेट करेंगे, और थोड़ा सा नीचे आएंगे देखिए, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आएंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लास 9, यहाँ पर नहीं एग्जाम देंगे तो क्या होगा, उसके बारे में सारी जानकारी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एग्ज़ाम रूटीन लिखा हुआ है, इसके सबमिशन क्लिक है, इस पर आपको क्लिक करना है, इसी वाला पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करके यहाँ पर लिख देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए क्लिक किया, तो इस पर आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे क्वेश्चन पेपर, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आएगा, जैसे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम की तैयारी के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया था चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिए, ग्रुप में जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया है लिंक, ठीक है।